आज मेरा आखिरी दिन है हैदराबाद में, 3 बजे की मेरी ट्रेन है। तो ज़िंदगी रही तो फिर कभी मौका मिलेगा तो ज़रूर आऊँगा। तो तैयार होते हैं, तैयार होके आपसे मिलते हैं। सो आई एम रेडी टू लीव राइट नाउ एंड जैसे कि मैंने आपको बताया कि 3 बजे की मेरी ट्रेन है, तो आई एम वेटिंग फॉर फैज़ान टू कम। टिल देन वो जब तक वो आता है तब तक मैं आप लोगों को ये बता दूँ कि ये जो पिछले 3 दिन थे हैदराबाद के, ये इतने अच्छे और इतने हैपनिंग थे सिर्फ और सिर्फ फैज़ान और उसके दोस्तों की वजह से ही थे। मैं इस सिटी से अनजान तो नहीं हूँ, बट अकेला घूमना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए सिर्फ और सिर्फ उनकी बदौलत थी कि मैं इतना एक्सप्लोर, इतना घूम पाया और इतना कॉन्फिडेंट मिला मुझे व्लॉग करने का। तो थैंक यू सो मच फैज़ान, इरफान 1, इरफान 2 एंड शहबाज, आप लोगों के बिना ये वीडियो मुमकिन नहीं होता। और ये मेरे साथ फर्स्ट टाइम मेहमान नवाजी नहीं हो रही है इनकी, ये हमेशा मेरे साथ ऐसे ही करते हैं। और मुझे ऐसा कभी लगता ही नहीं है कि ये सिर्फ फैज़ान के दोस्त हैं, मुझे ऐसा लगता है कि हैदराबाद में भी मेरे कुछ दोस्त हैं। हम जा रहे हैं गोलकुंडा किला, बिकॉज गोलकुंडा किला अभी जाएंगे तो ही हमें मौका मिलेगा अंदर जाने का, बिकॉज 5 बजे तक उसका टिकट काउंटर बंद हो जाता है और 6 बजे तक पब्लिक निकल जाती है। तो अभी बज रहे हैं कुछ 4, गोलकुंडा किले के बारे में आप लोगों को बताते हैं। तो ये गोलकुंडा का एंट्रेंस था, पीछे वाला एंट्रेंस है ना ये, पीछे वाला एंट्रेंस था ये। पहले ये किला का रास्ता हुआ करता था, जैसे जैसे मॉडर्न ही जाता गया तब तक ये सब यहाँ पर आबादी बढ़ गई। शॉर्ट टू टूरिस्ट, नहीं नहीं भाई, ₹1,000 तो क्या हुआ यार, हाथ से बना लेंगे भाई, इक्विपमेंट का अपने को जरूरत नहीं है, ये जो मैं हूँ ना मैं ही काफी हूँ। तो यहाँ से आप लोग आओगे और आप लोगों को ये एंट्रेंस मिलेगा, ये एंट्रेंस के बाहर नहीं है, प्रोटेक्शन लगाया हुआ है अभी, ये प्रोटेक्शन वॉल है लगी हुई है यहाँ पे। तो वहाँ से जो भी आता था उनको इसे घूम के आना पड़ता था, तो ये उनका प्रोटेक्शन कवर हुआ करता था। राइट नाउ वी आर एंटरिंग इन गोलकुंडा फोर्ट। देखो भाई ये तोप है एंट्रेंस वहाँ पे, फॉर एन एग्जांपल अगर वहाँ से एनिमी आता है तो ये तोप सामने ही रखा हुआ रहता था, डायरेक्ट उन पे लगता था, फिर वो खत्म हो जाते थे, खत्म, सीधा फायर खत्म ना, एकदम खत्म हो जाता, फिनिश। ये लोग बोल रहे हैं कि कुछ 100 सीढ़ी चढ़ के जाना पड़ेगा अभी ऊपर, और ज़्यादा है, हालत होने वाली है भाई। आज 4:30 हो रहा है लेकिन फिर भी इतनी धूप है, शाम होने को आ रही है। और वो बिल्डिंग देख के तो मेरे को एकदम प्रॉपर कोलोजम वाली फीलिंग आ रही है। इटली रोम में ना एक ऐसी जगह है सेम ऐसी है, टूटी फूटी नहीं मतलब ऐसी कुछ है। तो गोलकुंडा फोर्ट की सबसे फेमस खासियत ये है कि यहाँ पर दुनिया के जितने भी जो मशहूर डायमंड्स थे, जैसे कि कोहिनूर डायमंड्स और काफ़ी सारे जो डायमंड्स थे, वो यहाँ ही से निकल कर गए हैं। तो इस फोर्ट में बहुत सारे सीक्रेट टनल्स भी है जो कि आज तक मिले नहीं, और वो टनल्स जो रॉयल फैमिलीज होती थी उनको एस्केप करने के लिए, जब भी कोई खतरा या वगैरह कुछ होता है तो उनको एस्केप करने के लिए सीक्रेट टनल्स बनाए गए होते हैं, बट आज तक उस टनल को किसी ने अभी तक फाइंड नहीं किया है। तो जैसे आप देख सकते हो कि वहाँ पे 7 गुम्बज है, ये जो गुम्बज दिख रहे द टोम्स, तो अभी हम वहीं से यहाँ पर आए हैं। तो ये इनका ही था, जिनका गोलकुंडा है उन्हीं का ही, कुतुबशाही टोम्स भी उनका ही है। तो इस किले में ना 240 किलो का एक स्टोन है, बहुत फेमस है। और उसकी कहानी ये है कि उस ज़माने में जब लोगों को यहाँ पर काम या जॉब चाहिए होता था, तो एक कंडीशन पे उनको वो जॉब मिलती थी कि वो जो 240 किलो का जो स्टोन है
उसे उठाकर बताए तो ही उनको जॉब मिलेगी। तो ये कंडीशन हुआ करती थी उस जमाने में लोगों को काम या जॉब लेने की। 240 किलो का स्टोन उठाना, अरे यहाँ हमसे 50 किलो छोड़ दो यार, 10 किलो का स्टोन उठाना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा, लेकिन 240 किलो का स्टोन उठाना, देख रहे हो आप, एक स्टोन के पीछे भी अपनी एक कहानी है इस किले की। किले की सबसे एक खासियत जो हमेशा हर किले में मुझे पसंद आती है कि आपको यहाँ से पूरी सिटी देखने को मिलती है। पर आप जब आपको सिटी देखने को मिलती है आपको पता है चलता है कि आप किस शहर में हो और कितनी बड़ी शहर में हो। थक गया। तो किले के ऊपर है ना, एकदम ऊपर प्यारी सी छोटी सी एक मस्जिद है। अभी तो ये बंद है यहाँ से रास्ता, बैरिकेड वगैरह इतना लगाया है, बट ये मस्जिद है अंदर, बहुत छोटी सी बहुत प्यारी सी है। तो गोलकुंडा फोर्ट की टिकट सी 25 रुपीज़ की है, बट अगर आप गाइड ले रहे हो तो फुल गाइड और शॉर्ट गाइड करके एक अलग कैटेगरी है। फुल गाइड के लिए आपको 1000 रुपीज़ और शॉर्ट गाइड के लिए आपको 700 रुपीज़ देना पड़ेगा। मुझे तो बहुत नहीं लगा। और फॉरेनर्स को 300 रुपीज़ है और जो इंडियंस हैं उनको 25 रुपीज़ है। कमाओ भाई, कमाने का मौका है तो कमाओ। और यहाँ से सबसे नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है पिडाम्बर टेम्पल, वहाँ पर आप उतर के यहाँ पर नज़दीक से आ सकते हो, और या तो फिर हैदराबाद सिटी में कोई भी रिक्शा ले लो, आपको 200-300 बक्स में यहाँ पर लाकर छोड़ देगा। तो अभी हम लोग एकदम टॉप पर आ चुके हैं और इसके आगे कुछ भी नहीं है, ये पीछे राजा का किला है। पानी ले रहे हो क्या? प्यास बहुत लग रही है। ठंडा नहीं है? पानी पीते भाई। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत थक गया, बहुत ज़्यादा सीढ़ी थी। उतरने में ठीक है, चढ़ने में हालत हो, हाँ उतरना इजी है, चढ़ना लाइफ में भी और ऐसे भी चढ़ना बहुत मुश्किल है। गोलकुंडा किला में लेस बनाया जा रहा है। चढ़ने के बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारे नीचे उतरने के भी रास्ते हैं। हम आए थे किसी और रास्ते से, अब जा रहे हैं किसी और रास्ते से। इधर इधर जल्दी आ। तो ये पार्ट मैंने इसलिए लास्ट में रखा क्योंकि पहले आप लोगों को किला बताना था, फिर ये बताना था। अब इसका खासियत ये है कि ये एक कम्युनिकेशन सिग्नल देता है ताली बजाने के लिए। पता नहीं आपको वाइब्रेशन सुनाई दे रहा है या नहीं सुनाई दे रहा है, बट यहाँ पर ताली बजाते तो ऊपर किले में आवाज़ जाती थी। तो जब भी हमला या खतरा वगैरह होता था तो यहाँ पे सिपाही ऐसा बजाते थे और वहाँ पर सुनाई देती थी। एक बार एक तरीका मारते खैर ब्रो, सिपाही को ऐसे ही मारते थे तो वो भाग के जाते थे ऊपर किले में बताने के। और ये मैं हूँ, आवाज आ रही है, थैंक यू सो मच। तो ये था गोलकुंडा फोर्ट, जितना टूरिस्टिक प्लेस हो सकता था मुझसे मैंने उतना टूरिस्टिक प्लेस घूमा हैदराबाद में। इस 3 दिन के मौके में मैं शायद से कुछ बता पाया, लेकिन अगर बता पाया कुछ हेल्प हुई तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट कर देना। दूसरी बात ये है कि मैं 3 दिन में ये सारी हैदराबाद की इतनी खूबसूरत चीज़ें ये 3 दिन में तो बिल्कुल नहीं बता सकता, लेकिन फिर कभी आऊँगा तो हैदराबाद में आपको और भी अच्छी चीज़ दिखाने की कोशिश करूँगा, कुछ ऑफ बिट बताऊँगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अपना ख्याल रखें और अल्लाह हाफिज़। तो अभी मैं खड़ा हूँ मेहदीपट्टनम चौराहे पे और आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जवानी की असल आज़ादी जो है वो सिर्फ और सिर्फ हैदराबाद में है, बस इतना ही कहना था। मिलते हैं तुझसे जल्दी।